हेलो किसान भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जेट ICRBHU वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मेवाती गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ा था, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जो गाय है या जो काऊ है, यहाँ पर आपके पास जो काऊ है उसकी ट्रिक्स, उसकी जो नस्लें होती है उनकी ट्रिक है, ट्रिक वाइज हम आपको बताने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है गाइस, आइए जानते हैं ट्रिक क्या है। तो गाथा हरी राज नागौरी की होली पर दिया माल मेवा। क्या एक बार फिर से पढ़ते हैं, गाथा हरी राज नागौरी की होली पर दिया माल मेवा। तो होली पर माल मेवा दिया, तो ये एक ट्रिक है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। इससे आप एक भी गाय की नस्ल जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, तो सभी की सभी जो गाय की जो किस्में हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड है। तो आइए जानते हैं कि गाय से कौन सी किस्म आती है। तो भैया गाय से कौन सी किस्म आती है, गाय से आती है भैया गिर। और थ की बात करें तो थ से कौन सी आती है भैया, तो कौन सी आती है, आपको तो इतना तो पता ही होगा भैया, थार पार कर आती है। थार पार कर कौन सी, थार पार कर। अब हम बात कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए ऊपर, हरी मतलब ये इतना तो पता होगा हरियाणा, हरी से कौन सा भैया हरियाणा। रा की बात करें तो आइए जानते हैं रा से कौन सी, अरे भैया राठी भूल गए क्या, राजस्थान की कामधेनु। ज की बात करें तो कौन सी, जर्सी जिसका फ्रांस मतलब विदेशी नस्ल है, और इसको तो आप कभी नहीं भूलोगे नागौरी, क्योंकि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल किसके होते हैं, नागौरी के। आइए बात करते हैं सबसे भारी नस्ल गाय में, सर्वाधिक बड़ी नस्ल है ये होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन को आप कैसे भूल सकते हैं। और बात करें यहाँ पर दिया ये क्या है, साइलेंट वर्ड है, वैसे इसको साइलेंट रखना है, ये किसी काम का नहीं है। और अगर बात करें माल, तो माल मतलब मालवी गाय है, और मेवा मतलब मेवाती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी गाय की नस्लें हैं आपके 12th में, 1, 2 जैसे, 3 जैसे, 4 जैसे, 5 जैसे, 6 इधर से, 7 इधर से, 8 और इधर 9। तो 9 आपके गाय की नस्लें हैं, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में भैंस की नस्लें भी लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनके आपको इनका जो है दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन और भी इनके ओरिजिन इत्यादि याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ट्रिक वाइज नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल यहाँ पर इनकी जो गायों के जो नाम है वही ट्रिक वाइज है, इन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को ये नाम याद नहीं है वो इन्हें आसानी से याद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय।